माई नेम इज़ कुशाग्र कुमार भारती। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बी ए पार्ट थ्री सेक्शन जेड। माई एनरोलमेंट नंबर इज़ U182143 0। द क्वेश्चन इज कैन मिल्क बी सोल्ड एट ₹100 पर लीटर इन द मार्केट। द आंसर इज इट कैन नॉट बी सोल्ड एट ₹100 पर लीटर इन द मार्केट इन द रूरल एरियाज वेयर द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स इज वेरी लो। देयर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड इट। नंबर वन, मोस्ट ऑफ देम ओन देयर ओन डोमेस्टिक एनिमल्स विच गिव मिल्क सो दे नीड नॉट टू परचेज इन द मार्केट। नंबर टू, दे कैन नॉट स्पेंड देयर हाई प्रपोर्शन ऑफ इनकम इन एनी वन प्रोडक्ट। नंबर थ्री, मोस्ट ऑफ देम आर वेज अर्नर्स सो दे हैव अ लो इनकम। नंबर फोर, मिल्क इज अ डेली परचेजिंग कमोडिटी सो इफ वी कैलकुलेट द प्राइस इट विल कम टू 30 × 100 दैट इज 3000 अ मंथ विच इज वेरी हाई फॉर द रूरल एरियाज। देयर आर सेवरल अदर रीजन्स। द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज एट वंस बाय डबल्स ऑलमोस्ट डबल एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोनोपोली प्राइस इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू क्रिएट अ मोनोपोली इन सच अ प्रोडक्ट लाइक मिल्क। ऑन द अदर हैंड द प्राइसेस ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज इन द अर्बन एरियाज एंड स्पेशली इन द मेट्रोपोलिटन एरियाज। देयर आर रीजन्स फॉर इट ऑल्सो। नंबर वन, द इनकम इन द अर्बन एरियाज इज हाई सो दे कैन अकोमोडेट अ हाई प्राइसेस ऑफ मिल्क। नंबर टू, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिल्क एंड द न्यूट्रिशनल लेवल विच द मिल्क गिव। नंबर थ्री, देर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। द सप्लाई लैक्स बिहाइंड द डिमांड बिकॉज द सप्लाई ऑफ मिल्क इन द अर्बन एरियाज इज डन बाय द पीपल ऑफ द रूरल एरियाज और द रूरल अर्बन फ्रिंज एरियाज सो देर इज अ लैग ऑफ सप्लाई। नंबर फोर्थ, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन द अर्बन एरियाज डे बाय डे सो देर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ मिल्क। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट वेन मिल्क कैन बी सोल्ड एट ₹100 पर लीटर। सो द आंसर इज इट कैन बी सोल्ड एट ₹100 पर लीटर वेन देर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड दिस कैन बी सीन ओनली इन द अर्बन एरियाज। द नंबर सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेज इज हु कैन सेल इट इन द मार्केट एट ₹100 पर लीटर। So this can be sold at ₹100 per liter who have a reach in the urban areas or it can be sold by the firms or corporates by packaging, preserving and transporting it to the urban population. The third question that arises is how it can be sold at ₹100 per liter. So it can be done by creating a temporary shortage of the milk in the market, but this is not a permanent solution. So it can also be done by improving the quality of the milk or looking after the hygiene of the milk or a change in selling strategy and advertisement could also work. The fourth question that arises is why the milk should be sold at ₹100 per liter. The cost of production of milk is increasing day by day. The transportation cost has also increased in the recent days due to the increase in prices of petrol and diesel. Also, milk is not a durable item. So if not sold on the same day, it will cause a loss to the producer. The fifth question that arises is for whom it should be sold at ₹100 per liter. So I have already answered this question in the answer of question number one, that is it could be sold for the customer who have a high income and could afford milk at ₹100 per liter. This could not be done for the rural population where the income is very low and where they cannot spend a high proportion of income for just a liter of milk. Thank you.